बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम चांद भराओ, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आज दी इस वीडियो च असीं गल करांगे चौं खादां दे बारे, जिहदे विच कैन गुआरा है, अमोनियम सल्फेट है, जबरदस्त यूरिया है ते सादा सोना यूरिया है। बहुत सारे किसान भरा मेरी दुकान ते आंदे ने ते मेरे कोल सवाल करदे ने कि दसो कि केहड़ी खाद सानू चंगी है, खास तौर ते कणक दी फसल लई, गंदम दी फसल लई सब तों अच्छी खाद केहड़ी है? अमोनियम सल्फेट है, जबरदस्त यूरिया, सोना यूरिया या कैन गुआरा है? ते आज दी वीडियो च असीं इस बारे गल करांगे। उस तो पहले तुसां मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ते चैनल सब्सक्राइब कर दो, नाल लगे घंटे दे निशान नूं दबा दो ताकि ज़रादम तलक हर तरह की मालूमात वीडियो तुहाडे तक बआसानी पहुंच सके। किसान भराओ, चवें खादां जिहड़ियां नाइट्रोजन का बेहतरीन सोर्स ने ते बहुत अच्छियां खादां ने, फर्क सिर्फ इन्ना है कि खाद किस वक्त इस्तेमाल की जाए जिदा सानू ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, जिदे नाल साडी पैदावार च इजाफा होएगा। सब तो पहला गल की जाए तो जी पहले पानी है वह नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मकदार जरूरत होंगी है पौधे को, तो लिहाजा जो तुम पहला पानी लगा रहे हो, जे तो जिंक ना इस्तेमाल कर रहे हो फिर तो गल ठीक है, सादा यूरिया सोना यूरिया ना नाल जिंक इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो तुम जिंक का इस्तेमाल नहीं करते तो जबरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करो, रेट में कोई खास फर्क नहीं है। लिहाजा जो तुम जबरदस्त यूरिया पहले पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत तुम्हें बेनीफिट होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा होंगे, बहुत ज्यादा शगुफा ताजी होंगी है, तो हरियाली भी बहुत ज्यादा आती है। तो बहुत सारे किसान भरा जो पहले पानी अमोनियम सल्फेट या जे कैनगुआरा इस्तेमाल करते हैं। देखो कैनगुआरा जी 26% नाइट्रोजन है, तो अमोनियम सल्फेट जी 21% नाइट्रोजन है। दोनों खादों के जी नाइट्रोजन की मकदार है वह बहुत कम है, तो हमें मेन जरूरत है नाइट्रोजन की पहले पानी। लिहाजा जो तुम पहला पानी लगा रहे हो तो तुम कोशिश करो कि या जबरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करो या फिर सोना यूरिया का इस्तेमाल करो, लेकिन जो तुम दूसरा पानी लगा रहे हो तो फिर तुम कैनगुआरा का इस्तेमाल करो, क्योंकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा देर तक असर रखती है कैनगुआरा जी है, तो या फिर तुम अमोनियम सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो 24% सल्फर है, सल्फर की मकदार अच्छी है, तो इंपोर्टेड सल्फर होंगे जिदे नाल जिहड़ियां पहले दी मौजूद खादां ने वो भी एक्टिव हो जांदियां हैं, तो उहदा भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होंगे। देखो जिहड़ी भी खाद तुसी पूरे हिसाब नाल इस्तेमाल करोगे जिस टाइम उहदी जरूरत है तो उहदा तुहानूं फायदा होएगा। जे असीं एनजी खाद पाई जावांगे हर दफा, सोना यूरिया असीं पहले पानी भी सोना यूरिया पा रहे हैं, दूसरे पानी भी सोना यूरिया पा रहे हैं, तो इहदा सानूं रिजल्ट नहीं मिलता है, वो असीं पैदावार नहीं ला सकते। असी ज्यादा पैदावार किवें ला सकते हैं कि असी खादों का कंबीनेशन करके इस्तेमाल करिए, यानी कि दो खादों नूं जे मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए, अद्धी अमोनियम सल्फेट अद्धी तुसी सोना यूरिया या पूरा बोरा पूरा तोड़ा सोना यूरिया का अद्धी अमोनियम सल्फेट, जे तुसी इंज कंबीनेशन करके इस्तेमाल करते हो तो इहदा सानूं रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लिहाजा चौवें खादा जिहड़ियां ने वो बहुत अच्छियां ने, लेकिन फर्क सिर्फ इन्ना कु है कि जिहड़ी खाद की जिस टाइम जरूरत है उस टाइम इस्तेमाल की जाए तो सानूं उहदा रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा, ज्यादा पैदावार लाँगे, लेकिन जे असीं हर दफा सोना यूरिया ही इस्तेमाल करांगे तो असीं अच्छी पैदावार नहीं लै सकते। उम्मीद करना तुहानूं मेरी वीडियो चंगी लगी होगी, कमेंट करके जरूर दस्यो जे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो च, उदों तक अल्लाह हाफिज़।